दीक्षा और आज हम जा रहे हैं, मतलब अभी हम नंगल डैम में थे और अभी हम झटका लगा दीक्षा के पीछे का। ओह माय गॉड। तो अभी फिर से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीक्षा। तो अभी हम कल नंगल डैम आए हुए थे, मैं और पापा, जो मेरी मम्मी और बहन है वो शायद से 8 जनवरी को ही आ गए थे यहाँ पे, तो अभी वो हिमाचल है। तो अभी हम नंगल से हिमाचल जा रहे हैं मेरी बहन और मम्मी को लेने। और जैसे कि आज लोहड़ी है, सो हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। हम टालियाल पहुँच गए हैं जो कि ऊना में है, एंड पापा वहाँ पे मूंगफली, गच्चक और रेवड़ी ले रहे हैं। वो रहे पापा। और अब जो मेरी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो मेरी 23 जनवरी से शुरू होंगी, तो अभी बस 9-10 दिन की छुट्टियां हैं, इसमें मैं आई हुई हूँ। हमने मूंगफली और गच्चक ले ली है और अब हम जा रहे हैं। 15 मिनट का रास्ता रह गया ना, बस 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। फर्स्ट से सेकंड में भी पहले सेकंड बीच में आना है। पहुंच गए हम, अब हम चलते चलते वहां घर तक पहुंचेंगे। शेर ना शेर आ जाएगा। हेलो मम्मी। हेलो, कैसा है मेरा पुत्र? ठीक है। पापा चलो इंस्पेक्शन करने। पापा किसके इंस्पेक्शन करोगे? खेतों के इंस्पेक्शन। कौन है वो कट्टी? एन्योंगशिस्मिका। एक बेड ले आते हैं ना जहाँ पे धूप में। पापा कट्टी से कौन मिलेगा? ईशु कट्टी से मिलेगी। ये नाइट सूट मैं वहाँ पीजी पे ढूंढ रही थी और ये यहाँ पे पहन रख के घूम रही है। एन्योंगशिस्मिका। 2024 का पहला सूरज देखने को मिल रहा है। अम्बाला में तो धूप ही नहीं निकलती थी, लास्ट धूप शायद 20 दिसंबर को निकली होगी 2023 में। अब मिल रही है धूप हिमाचल में, पूरा सूरज। अभी पापा और मैं कहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पापा कहते हैं घूम के आते हैं। नई चीज अभी आपको बताई जाएगी, गुड़ कैसे बनेगा, गुड़ कैसे बनेगा, रस निकलेगा रस से आगे। अच्छा, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। फैक्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे यहाँ मिलेगा क्या रस? गन्ने का गुड़ भी मिल सकता है। इतनी बड़ी कढ़ाई रस जो गन्ने का निकलता है यहाँ से। गन्ने का जूस निकल रहा है। हमने शक्कर, गुड़ और एक पीपा रस ले लिया। वाओ। अभी आप लोगों को एक मेहमान से मिलवाते हैं, छोटा मेहमान। ये रहा वो छोटा मेहमान। डरना नहीं, ये उसकी मम्मी। हाय हाय, गुस्सा आ रहा है मेरे बच्चवा को। कच्ची की ऊंची अन्या मुच्चो मुच्चो जी निंगशस्मिका। आ कैरी अब नहीं करूंगी मैं। जो वो तो वहां पे बच्ची है, लेकिन जो एक कट्टी है
इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और ये फिर रोना रहा है मेरे को। जो वो दोनों बच्चियां हैं ना वो इस कट्टी को मार के चली जाती हैं। ये देखो ऐसी खड़ी रहती है रोना ईशु इसके साथ भी खेल ले ऐसी देख रही है क्या करती है तू। ये हंसती क्यों नहीं इसको के हंसती थोड़ी है ये जैसे बच्चे देख वो कितनी एक्टिव है वैसे क्यों नहीं है। ओ डोंट मिस योर मम्मी मेरे को तो रोना आ रहा है इसकी मम्मी। हेलो गाइस अभी मैं वो करूंगी जो ऐसे ऐसे नहीं करते फिर इसका रिएक्शन देखते हैं। अब इसको मजे आ रहे हैं मजे आ रहे हैं काके को मजे आ रहे हैं मजे आ रहे हैं और क्या मैं वही तो इन्हों बोल दी यार नानी की साथ में बात क्या पड़े पूरी नौकरी लगे हुए नाना नानी को मायो हाँ जी बाय मामी बाय तरुण वो हमने मम्मी और ईशु को ले लिया है। अब हम जा रहे हैं मम्मी के मामा के घर यानी कि मम्मी का नानी हाउस। तभी हम वहाँ जाएंगे वहाँ से हम जाएंगे नंगल। मम्मी बहुत खुश हैं पीछे हम मम्मी के मामा के घर पहुंच गए। मम्मी को देखो यहाँ और भी गाय हैं एंड वन भैंस। पता नहीं मम्मी ने कुछ कहा उनका बंद कर मिलन मिलाप हो चुका है मम्मी का मम्मी के मामा और मामी के साथ। तो हम फाइनली जा रहे हैं नंगल। नहीं बहू के साथ नहीं बहू के साथ भी नहीं नहीं बहू के साथ नहीं बहू। सो अभी फिलहाल हम नंगल में और बाहर लोहड़ी की तैयारी हो रही है। तैयारी नहीं हो रही शुरू हो चुका है दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा बाहर भी ये अभी हमारा पर्सनल नहीं पता नहीं सुना लगता पापा फिरोज खान बने हुए हैं। हेलो बड़ी मम्मी हेलो नहीं मैंने लिया नहीं बड़ा पापा क्या आप एक्सप्लेन करोगे क्या है ये हाँ ये जो वो ऐश लगती ये हाँ ये खीर है किस चीज की गन्ने के रस की ये परंपरा है हमारी लोहड़ी वाले दिन हम बनाते हैं ये। अच्छा गन्ने के रस की अच्छा चावल डालकर उसको पकाते हैं अच्छी तरह तो उसकी खीर बनती है फिर वेरी टेस्टी डिलीशियस मेरी दादी बनाती है। Okay. कितना टाइम लगता है इसको दो कम से कम दो घंटे two hours. और फाइनली हम जा रहे हैं बाहर। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ क्या हो रहा है। हम हमारा जो पूरा ब्लॉक है ना उन्होंने कॉन्ट्री कर रखी है तो बाहर डिनर भी होगा और ब्लॉक वाले एक साथ लोहड़ी सेलिब्रेशन करेंगे। बाहर चले मम्मी अब नाच के रहे हो मम्मी को देखो नाचो गाइस ये सामने अभी वो बना हुआ है खाने का इंतजाम वहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेशन है और वो देखो कहाँ है चलो चले देखा देखी यहाँ तो शुरू।
ईशु नाच, ईशु नाच, तेरे को क्यों शर्म? ओह माय गॉड, मम्मी यहाँ पे तो बेइज्जती बहुत हो रही है, मम्मी नाचो, डांस करो, मैं तो शुरू हो जाऊंगी। अभी भी सेलिब्रेशन बाहर चल रही है लेकिन हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो हम तीनों पापा मैं और ईशु अंदर आ गए अपने पर्सनल वाले पे। अपने आप को गर्म कर रहे हैं, बहुत ठंड है। मेरे को तो डिनर का वेट है, पता नहीं कब बुलाएंगे, मैं भूख लग रही है। फाइनली गाइस डिनर लग चुका है, अब हम जा रहे हैं डिनर करने। अच्छा फर्स्ट लाइक फर्स्ट लाइक फर्स्ट बाइट लेके बताएगी कैसा है। फाइनली हमारी लोहड़ी सेलिब्रेशन खत्म हो गई और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही था। अगला व्लॉग मैं जल्दी डालूंगी गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय।